हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू आवर उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल आज हम कंटिन्यू करेंगे टेस्ट सीरीज़ जो कि उत्तराखंड हॉर्टिकल्चर सुपरवाइज़र असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और सारे एग्रीकल्चर बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मैंशन किया है सो लेट्स बिगिन सबसे पहला क्वेश्चन है एडेम्स फिक इज़ द कॉमन नेम ऑफ ऑप्शन हमारे पास हैं एप्पल बनाना बेर जामुन दिक्कत एक टंसर ओवर ईयर इज बनाना अब जो एप्पल का कॉमन नेम होता है वो क्या होता है इट इज़ कॉमन नेम नहीं हम ऐसा बोल सकते हैं कि एप्पल को और भी क्या बोला जा सकता है हम ऐप्पल को बोलते हैं किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स और राइट और अगर हम बेर की बात करें ये मैंने प्रिवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि बेर को हम क्या बोलते हैं पुअर मेन्स फ्रूट एंड इफ़ यू टॉक अबाउट जामुन जामुन को बोल भी हम इंडियन ब्लैकबेरी भी बोल सकते हैं जामुन को ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज इन रबड़ फॉर लेटिक्स एक्सट्रैक्शन ऑप्शन आर टेपिंग ट्रिमिंग कटिंग टिपिंग द करेक्ट आंसर इज टेपिंग अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है बाई विच लेटिक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम रबर ट्री Letix को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस कहाँ से रबर ट्री से हम उसको क्या बोलते हैं टिपिंग वर्ग है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड हॉर्टिकल्चर इज डिराइव फ्रॉम ऑप्शन लेटिन एंड ग्रीक बोथ ग्रीक नन ऑफ द करेक्ट आंसर इज लेटिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल पर डे पर पर्सन इज ऑप्शन आर वन ट्वेंटी ग्राम थ्री हंड्रेड ग्राम फोर सेवेंटी फाइव ग्राम एंड थ्री ट्वेंटी ग्राम दिकेक्ट आंसर ओवर एयर इज़ थ्री हंड्रेड ग्राम्स अब आपको ये जो वैल्यू है उसे याद रखना है ठीक है एक दिन में एक पर्सन को कितना वेजिटेबल लेना चाहिए वो है थ्री हंड्रेड ग्राम्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्शन आर रेजन्स वालनट ऑप्शन सी इज़ बोथ ए एंड बी एंड बीन्स द करेक्ट आंसर इज रीजन्स अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी और ये हमारे जो भी हमारे ब्रेन किडनीज हार्ट मसल्स ये सब होता है उनको एज अ फ्यूल प्रोवाइड करता है एनर्जी प्रोवाइड करता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैन एंड चिकन डिजीज ऑफ एप ग्रेप्स इज कॉज्ड बाय ऑप्शन आर बोरॉन कॉपर कोबार्ट मैग्नीशियम द करेक्ट आंसर इज बोर अब जो ग्रेप्स में हैन एंड चिकन डिजीज़ होती है वो किसके वजह से होती है बोरन की वजह से होती है और ये जो हैन एंड चिकन डिजीज है ग्रेप्स की मोस्ट सीरियस नॉन पैरासिटिक ग्रेप पॉइंट डिजीज़ है ठीक है ये आपको याद रखना है और ये एक ऐसे सॉइल्स में पाई जाती है जिन जो बहुत एसिडिक हो जिनका पी एच अराउंड थ्री पॉइंट फाइव से लेके कर फोर पॉइंट फाइव हो ऐसे सॉइल में ये डिजीज़ पाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड कलर ऑफ एप्पल इज ड्यू टू ऑप्शन आर कैरेटिन एंथोसाइनिन लाइकोपीन एंड बोथ ए एन सॉरी बोथ बी एन सी द करेक्ट आंसर इज एंथोसाइनिन अब जो एप रेड कलर होता है एप्पल का वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है और अगर हम कैरेटिन की बात करें जो कैरेट का ऑरेंज कलर होता है वो कैरोटिन की वजह से होता है एंड इफ़ यू टॉक अबाउट लाइकोपिन टमाटो का रेड कलर किसकी वजह से होता है लाइकोपिन की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंजेंसी इन गार्लिक इज ड्यू टू ऑप्शन आर डाई एलाइल डाई सल्फाइड ओलरेसिन एंड एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड द करेक्ट आंसर इज डाई एलाइल डाई सल्फाइड अगर हम बात करें एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड की तो अनियन में जो पंजेंसी होती है वो इसकी वजह से होती है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन बेर ऑप्शन हमारे पास हैं रनर्स रिंग एंड टी बडिंग शील्ड बडिंग एंड एयर लेरिंग द करेक्ट आंसर इज रिंग बडिंग अब रिंग बडिंग में क्या होता है कि जैसे सपोज हमने कोई स्टॉक लिया है ठीक है सपोज हमने कोई स्टॉक लिया है तो उसमें से जो हम रिंग शेप में बार को रिमूव कर देते हैं फिर वैसे ही हम बार्क रिंग को रिमूव करते हैं किसी बड से सॉरी किसी बड स्टिक से हम रिमूव करते हैं ठीक है फिर और वहाँ से उसे रिमूव करके फिर हम उसे लगा देते हैं इंसर्ट कर देते हैं अपने रूट स्टॉक पर ठीक है इसी ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है इसको हम रिंग बडिंग बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज़ यूज मोस्टली इन केस ऑफ एच डी पी यहाँ पे क्या है एच डी पी क्या है हाई डेंसिटी प्लांटिंग आपसे पूछा है कि कौन सा सिस्टम ऑप्शनस हमारे पास हैं ट्रैंगुलर सिस्टम क्वेनेक्स सिस्टम कॉन्ट्रो सिस्टम और हेक्जोनल सिस्टम इन चारों में से कौन सा सिस्टम हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज़ होता है तो करेक्ट आंसर है हमारा ट्रैंगुलर सिस्टम ठीक है फॉर एग्जाम्पल आम्रपाली वैरायटी जो मैंगो की होती है वो ट्रायंगुलर सिस्टम में ही लगती है हाई डेंसिटी प्लांटिंग में ठीक -like है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेडिशनल राइस वैरायटी हैविंग अरोमल लाइक ब्लॉसम्स ऑफ मैंगो व्हेन कुक्ड डेट्स वाई नेम एज अम्बे मोहर राइस इज़ जी आई टैग फ्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है और इसका आंसर है हमारा महाराष्ट्र आपको इसमें पूछा है कि ऐसी कौन सी ट्रेडिशनल राइस वैरायटी है जिसकी जो अरोमा होती है अरमा का मतलब सुगंध है जो वो किसकी तरह होती है ब्लॉसम्स ऑफ मैंगो की तरह जब उसे पकाया जाता है तब उसकी खुशबू ऐसी आती है और उसको नाम दिया गया है हमारा अम्बे मोहर राइस और एक कौन सी जगह का जी टैग्ड है और ऑप्शन हमारा सही है महाराष्ट्र का नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेंडल्स लॉ इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ़ प्योरिटी ऑफ कैमिट्स ऑप्शन हमारे पास हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड नन ऑफ द करेक्ट आंसर इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज अब जो एसिटिक एसिड है उस और क्या नाम से हम बोल सकते हैं ऑप्शन हमें दिए हैं विनेगर सिट्रिक एसिड सोडियम बैंजोइ एसिड द करेक्ट आंसर इज विनेगर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इंजाइम इज कॉइंड बाय अब जो टर्म है इंजाइम वो किसने दिया था ये पूछा है आपको यहाँ पे ऑप्शन हैं फंक आर एफ फिशर सी ऑप्शन इज डब्ल्यू एंड डी इज मोल्डर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन जी डैट इज डब्ल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लॉरिंग टाइम ऑफ अम्बे बहार पोमग्रेनेट इज ऑप्शन आर जून ऑगस्ट नवंबर जनवरी फेबर अप्रैल एंड जनवरी फेबर द करेक्ट आंसर इज जनवरी टू फेबरी करेक्ट जो अम्बे बहार होता है पोमग्रिंग का उसका फ्लारिंग टाइम क्या होता है जनवरी टू फेबर और राइट ये हमारे सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं गूगल प्ले से आप हमारा आकलन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर आपको सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के टेक्स्ट सीरीज मिल जाएंगे चाहे वो सेक्शन टेस्ट सीरीज़ हो या फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ हो ओके सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दी आखन ऐप थैंक यू एंड हैव अ गुड डे